बोलो क्या पूछना चाहते हैं? मेरे जीजा जी खत्म हो गए थे। जीजा जी, बहन का शादी हमने किया था। जीजा जी खत्म हो गए जी। अच्छा, तो बहन को नाम क्या है? अंजू सेन है। अंजू सेन। तो तुम्हारे जीजा अनिल थे जी? अनिल। उनको नाम गुड्डू है तो जी। और आपकी बहन को अंजू सेन थे जी, जिनको पुनर्विवाह 16 मई 2022 में हो जाए आशीर्वाद जी। उसी घर में होगा पुनर्विवाह के? नहीं आए हो जी। और तुम उनके देवर से कहना चाहते हो जी? बोलो हाँ या नहीं जी। वो लोग खुद ही राजी थे इसलिए अभी ना बोल। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। देवर के नाने बात करने आए जी? क्या यहाँ तुमने किसी को बताया था? किसी को? आपने मुझे बताया था? नहीं। या पंडो का दाम में किसी परिसर में किसी को बताया? नहीं। यदि बताया हो तो बताओ। नहीं बताया, क्योंकि पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए जी। सुनिए जी, बहन सेन 27 अप्रैल 2018 में विवाह हुआ जी। 25 तारीख अगस्त 2020 में अनिल और गुड्डू खत्म हुए जी। देवर से शादी करना चाहते हैं जी। और सुनिए भैया जी, ए भैया जी सुनो, ए भैया ये बात सुनो, देवर से शादी करना चाहते हैं जी। और तुम्हारे बहन के देवर का नाम प्रिंस है जी। बोलो हाँ या नहीं जी। जी, सरकार की जय। वह लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है जी, क्योंकि वो अनीता नाम की लड़की से या सीमा नाम की लड़की से जी, उसका आंतरिक प्रेम प्रसंग है जी। इस कारण से शादी करने के लिए आनाकानी कर रहा है जी, कि भाभी तो हमारी है जी, लेकिन कोई नया मिल जाएगा तो पत्नी तो मिल जाएगी जी। जी सही बात है, रीवा में बात चल रही है। रीवा में चल रही बात जी, जी, जी। और सुनो जी, आपका नाम क्या है? राजकिशोर से। राजकिशोर, आपका नाम है राजकुमार, ऊपर नाम है राजकिशोर, पिता का नाम है जगदीश और माँ का नाम है मान कुमारी जी। बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ किसी ने आपसे डाटा पूछा था? नहीं। यहाँ से पर्ची वाले ने कुछ आपसे पूरा पर्चा लिया? नहीं। या किसी शिष्य के द्वारा या मेरे द्वारा की आपसे कोई जानकारी ली गई? नहीं नहीं। या किसी दुकान पे किसी जगह आपसे किसी ने पूछा? नहीं। अब बताओ भैया, ये गधा बन रहे तो बने और ये मूर्ख बन रहे तो तुम पेट काय पर आ रहा हो? ये मूर्ख बन रहे तो इनको पेट क्यों पड़ा, तुम्हारा और सबका पेट क्यों पड़ा रहा? क्या ये अनपढ़ है? नहीं। क्या बेवकूफ है? नहीं। क्या बुद्धि नहीं है? क्यों किसी की सेटिंग से बात कर रहे हो? ये मेरी सेटिंग है, जो पकड़ पाए वो पकड़ के दिखा दे। क्या पूछना चाहते हैं सर? पत्नी का माइक से बोलिए। पत्नी की तकलीफ है घर में, केस वेस कर रखा है। पत्नी ने केस कर रखा? पत्नी ने केस कर, क्यों कर रखा? तुम्हारी पत्नी हो, केस कर रही है? सब कर रखी है, बच्ची को भी गंदी गंदी गाली वगैरह सब करती है, बड़ा मुश्किल। दूसरी पत्नी तो नहीं है? नहीं सर, एक ही है। हाँ? एक ही है। एक ही है तो क्या दूसरे की इच्छा है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो हमने लिखा है स्त्री राजेश्वरी कलेश करती है। अब कर्ता लिख दे, इसमें ध्यान रखना, करती हो कर्ता में अंतर है, लेकिन हमारे मोशन के लिए करती है। हाँ। लेकिन कर्ता लिखा है। हाँ। नहीं बाद में कहो कि गुरुजी करती हो कर्ता में अंतर कैसे हो गया, मांस की जीव है। स्त्री राजस्त्री कलेश करता है। हाँ। बसीकरण है उस पर, तंत्र है पति को, तंत्र भानु। हाँ। को तंत्र है। हाँ। समाधान होगा पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और 5 नारियल यज्ञशाला परिसर में लाल कपड़े में 1.25 मीटर का कपड़ा, 1 नारियल 1 सुपारी 1 पान डंडी सहित, जिसमें बड़ी इलायची ढोरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुनक्का, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ढोड़ा, हाँ ढोड़ा, सॉरी आप नहीं जानते, थोड़ा अच्छा बोल दिया तो वो ढोड़ा, और उसमें 2 लौंग 5 लौंग 11 लौंग 21 लौंग 50 लाख 108 जितनी आप रख सकते हो, जितना आप पैसा हो उतनी उसमें लौंग, और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि अलाय बलाय जोगनिया यक्षणिया प्रेत पिचास भूत अत्यादि कोई भी पितृपित्राणी अत्यादि जो भी हैं, परमात्मा की शरण लें। हम आपको यही बैठाते हैं। कहां बैठाते हैं? यही बैठाते हैं। और अपनी पूजा स्वीकार करें। ये 5 नारियल अगले मंथ में या सुबह भी, क्योंकि आदेश आज ही आया है, तो अगले बार से यहां कपड़े की व्यवस्था कर दी जाएगी।
और वो कपड़ा आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। और नारियल भी यहां मिलते ही है, तो यहीं पर यज्ञशाला परिसर में आप बांध दीजिएगा और तुम हाल के हाल 5 मिनट में घड़ी देख के अपने आप को सुकून महसूस करोगे। आशीर्वाद है, निवारण हो जाएगा ना? निवारण हो नहीं जाएगा, हो गया है, हो गया है। हमने आज तक ये तो कही नहीं है कि हो जाएगा, हो गया है। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हम एक वचन में बात करते, बहुवचन में बात नहीं करते। यदि नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुवचन में बोलने की आदत नहीं है, हमने इसमें लिख दिया है कि 5 नारियल आपको करना पड़ेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके पिता शरद चंद्र जी को भी घर पर बैठा लेना, वे पितृ रूप में आ गए हैं। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है, लेकिन आप सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके ये काम करके जाएंगे और साथ साथ में 1 रुपया से लेके जितनी तुम्हारी सक्षम हो उतना भंडारे में सहयोग प्रदान करें और कम से कम 5 से 11, 21, 51 कन्याओं को पूरी सब्जी या लड्डू या जलेबी, उनको भोजन प्रसाद ग्रहण करा के उनका चरणामृत ग्रहण करो, वो चरणामृत ले जाइए, देवी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। हम ये नहीं करेंगे आपको 5 किलो लेना, 10 किलो लेना, 21 किलो लेना, 51 किलो लेने, जो तुम्हारे पास समर्थ हो, ठीक है ना सर? साधन बात।